Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. DW के शो सवाल के साथ मैं हूं बीनेश जावेद। श्रीलंका का शुमार सयाहों के पसंदीदा ममालिक में होता है। तहम इस जजीरे के बहुत से होटलों में अभी तक पुराने निजाम के जरिए तवानाई हासिल की जाती है, जो तहफ्फुज़े माहौल के लिए खतरनाक है। इस मसले का हल तलाश किया है एक होटल चेन ने। तफसीलात बताएंगे आपको आज के शो में। सवाल में आज, क्या सांस से पता चल सकता है इंसान की सेहत के बारे में? श्रीलंका के माहौल दोस्त होटल और आलमी शोहरत याफ्ता मौसीकार मुसाक को खराजे अकीदत। अब साइंसदान एक ऐसी तहकीक कर रहे हैं जिसके जरिए इंसान की सांस से इस बात का अंदाजा लगाया जा सके कि इसे कोई बीमारी लाहक है या नहीं। वो एक ऐसे खास आले का इस्तेमाल कर रहे हैं जो सांस में शामिल कीमियाई गैसों का पता लगा सकता है और यूं ये जाना जा सकता है कि इस शख्स को कोई बीमारी तो नहीं। सिर्फ एक मर्तबा सांस लेने से मुतअद्दिद बीमारियों का पता लगाया जाए, ज्यूरिख के इन दोनों मुहक्किकीन का यही मकसद है। रजाकार मरीजों के साथ मिलकर ये जानने की कोशिश की जा रही है कि एक सांस या फूंक के साथ कौन सी बीमारियों के मॉलिक्यूल बाहर आते हैं। ये तजुर्बा कामयाब हुआ तो ये तशखीस की दुनिया में एक इनकलाब होगा। आप सिर्फ इसका तसव्वुर करें, आप अस्पताल आते हैं, एक मशीन में फूंक मारते हैं और आपका खून या पेशाब टेस्ट किए बगैर ही आपको बता दिया जाता है कि आपको ये बीमारी है। इस तरीके से हमें भी मदद मिलेगी और ये मरीजों के लिए भी आसान है। ऑल्टन के कंटोन अस्पताल में इस हवाले से इब्तदाई तजुर्बात जारी हैं, लेकिन हतमी तशखीस के हवाले से अभी तक कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली है। इस नाम निहाद नो टेस्ट से इब्तदाई इशारे ही मिलते हैं। हमारे पास ये काला है जिसकी मदद से हम सांस की नाली में सोजिश की पैमाइश कर सकते हैं। इससे फिर हम नताइज अखज कर सकते हैं कि इसकी वजूहात क्या हैं और हमें कौन से टेस्ट करना है। मसला यह है कि अभी तक इससे मुकम्मल तशखीस मुमकिन नहीं है। बीमारी की वजूहात जानने के लिए मजीद टेस्ट करना पड़ते हैं। और यही मसला ज्यूरिख के साइंसदान हल करना चाहते हैं। साइंसदानों के मुताबिक उन्हें सही समत मिल चुकी है। एक इंतहाई हसास मैस स्पेक्ट्रोमीटर सांस में मौजूद हर जर्रे या मादे का पता चला लेता है। ये अद्वियात में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ही तो है। ये मशीन मॉलिक्यूल्स का वजन खुद करती है। ये सबसे अहम पैरामीटर है। हम इन मॉलिक्यूल्स की इंतहाई हद तक ठीक पैमाइश कर सकते हैं। एक सांस के अंदर मौजूद हजारों अज्जा का पता लगाया जा सकता है। सांस के जरिए बाहर निकलने वाले मॉलिक्यूल्स की मदद से बहुत सी बीमारियों का पता लगाया जा सकता है। मुहक्किकीन एक बीमारी तलाश करने में कामयाब हो गए हैं। आमतौर पर दौरान नींद, तनफ्फुस में खलल जैसी बीमारी का पता महंगी लेबोरेटरियों में ही चलाया जाता है। यहाँ पर आप हमारी तहकीक की एक मिसाल देख सकते हैं। ये नतायज दौरान नींद तनफ्फुस में खलल की थेरेपी से पहले और बाद के हैं। मॉलिक्यूल्स के इर्तिकाज से पता चल जाता है कि थेरेपी खत्म करने से क्या तब्दीली वाकई होती है। साइंसदान स्पेक्ट्रोमीटर के साथ कई दूसरी बीमारियों का सुराग लगाने में कामयाबी के रास्ते पर हैं, लेकिन एक सांस या एक फूंक के साथ ही मुतअद्दिद बीमारियों का पता चल जाना अभी दूर की बात है। हर कोई चाहता है कि एक सांस के साथ फेफड़ों के कैंसर की तशखीस हो जाए। अगर हम भी इसी नुक्ते से आगाज करते तो नाकाम हो जाते। हमने आसान सवालात पर तवज्जो मरकूज की और इसके अच्छे नतायज भी हासिल किए। एक विजन के बगैर आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। हमारा विजन ये है कि आखिरकार एक दिन हम एक सांस से फेफड़ों के कैंसर की तशखीस करने के काबिल हो जाएं। इनका विजन ये है कि फेफड़ों के कैंसर का आसान से आसान तरीके से पता चलाया जा सके। ये टीम सिर्फ एक फूंक या सांस के जरिए तशखीस की दुनिया में इनकलाब बरपा करना चाहती है।
हर साल दुनिया भर से हजारों सैयाह श्रीलंका का दौरा करते हैं और यहाँ के खूबसूरत होटलों में कयाम करना पसंद करते हैं। इस मुल्क में जेट विंग होटल की कई शाखें हैं। होटलों की इस चेन के मालिक ने ऐलान किया है कि 2020 तक इनके तमाम होटल्स माहौल दोस्त उसूलों पर कारबंद होंगे। श्रीलंका में होटलों की सबसे बड़ी चेन के मालिक पुरअज़्म हैं। वो चाहते हैं कि 2020 तक उनके होटल की तमाम शाखें काबिले तजदीद ज़राए से अपनी तवानाई की ज़रूरियात पूरी करने के काबिल हों। जेट विंग के श्रीलंका भर में 30 होटल, महंगे किराए और दुनिया भर के मेहमान। कारोबार उस वक्त तक पायदार कामयाबी हासिल नहीं कर सकता जब तक वो इंसान और माहौल पर तवज्जो ना दे। जेट विंग की हिकमत अमली, जदीद तरीन टेक्नोलॉजी वाले एयर कंडीशनर्स, काबिले तजदीद वसाइल यानी दारचीनी की पैदावार के दौरान बच जाने वाली लकड़ी का इस्तेमाल, होटलों की जानिब से तवानाई का इस्तेमाल अपने हाथों में लेना किसी खतरे से कम नहीं। हम लोग या तो मिसाल बनेंगे या फिर तजुर्बाती मेंढक। जेट विंग में तहफुज माहौल का किस कदर ख्याल रखा जाता है? खुश आमदीद, आपकी उम्र दराज हो। हिरन कोरे का शुमार श्रीलंका की सियाहती सनत की बाअसर तरीन शख्सियतों में होता है। उनके वालिद हर्बर्ट ने 70 की दिहाई में जेट विंग होटल्स की बुनियाद रखी थी। उस वक्त भी उनके लिए तहफुज माहौल का मौजू अहम था। मेरे वालिद पर यह बिल्कुल वाज़े था, किसी जगह पर कोई होटल बनाना हो तो वो उस इलाके में अजनबी के तौर पर जाते थे। वो इसे इसलिए जरूरी समझते थे ताकि वहाँ जाकर माहौल के लिए कुछ किया जाए और जो काम भी किया जाए उसका फायदा मकामी लोगों को हो। जेट विंग के इंतजाम एक तरह से ये पूरा खानदान ही संभालता है। हिरन कोरे के 3 में से 2 बेटे इस इदारे में काम करते हैं। ये लोग निजी सतह पर भी माहौल दोस्त तवानाई इस्तेमाल करते हैं। घर में बिजली की तमाम तर जरूरियात शमसी तवानाई से पूरी की जाती हैं। नेगांबो मगरबी साहिल पर एक जाज़बे नज़र बंदरगाही शहर है। इस इलाके में जेट विंग के 5 होटल हैं। बेशक यहाँ पर तवानाई का निज़ाम पुराना हो चुका है, ताहम श्रीलंका में काबिले तजदीद ज़राए से हासिल की जाने वाली 30% बिजली का एक बड़ा हिस्सा पानी से तैयार किया जाता है। अपने होटलों को माहौल दोस्त बनाने के लिए जेट विंग को अपना सफर सिफर से शुरू नहीं करना पड़ेगा। होटल की निस्फ से ज़ायद बिजली एयर कंडीशनर्स को चलाने में खर्च हो जाती है। ये एयर कंडीशनर्स बिजली के रिवायती निज़ाम के तहत चलते हैं। सिर्फ 5 होटल्स ऐसे हैं जहां पर माहौल दोस्त टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है। यहां पर टेक्नीशियंस को तरबियत देने का जिम्मा बैन अल-अक़वामी तआवुन और तरक्की की जर्मन तंजीम के सर है। यहां पर तवानाई हासिल करने के लिए हयातियाती कूड़े करकट को जलाते हैं। ये एक तवील मुद्दती हिकमत अमली है। पुराने के मुकाबले में ये नया प्लांट सिर्फ 2 गुना महंगा ही नहीं बल्कि इसे चलाना कदरे पेचीदा भी है। इस बायोमास बॉयलर को चलाने के लिए हर वक्त कूड़ा करकट चाहिए। पूरे हफ्ते के दौरान ये यकीनी बनाना होता है कि दबाव 8 बार से कम ना हो। ये बहुत मेहनत तलब काम है जिसमें मशीन इस्तेमाल नहीं की जाती। हर आधे घंटे बाद ईंधन डालना पड़ता है। दारचीनी की पैदावार से बच जाने वाली लकड़ी इस प्लांट में ईंधन के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। इस दौरान सिर्फ वही कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती है जो धुलाई के दौरान लकड़ी हवा से जज्ब करती है। इस तनाजुर में जेट विंग को बिजली की फराहमी का एक अपना ही निज़ाम तैयार करना होगा। यहाँ से 150 किलोमीटर जनूब की जानिब दारचीनी की पैदावार होती है। दिनिशा सिल्वा रिवायती अंदाज में दारचीनी को उसी तरह से इस्तेमाल करती हैं जैसा नस्लों से किया जा रहा है। छाल उतारने के बाद इसे अंदर से खाली किया जाता है और फिर इसमें छाल के टुकड़े भर दिए जाते हैं। हम इन छोटे टुकड़ों को भी इसमें भर देते हैं और बाद में इसे धूप में खुश्क होने के लिए रख दिया जाता है। दारचीनी इस खानदान के लिए आमदनी का एक अहम इजाफी जरिया है, वरना इन्हें गुजर बसर में मुश्किलात पेश आती हैं। दिनिशा का शौहर बढ़ई है जबकि भाई इंतजामिया में काम करता है। दारचीनी की पैदावार में लकड़ी आमतौर पर जाया कर दी जाती थी, ताहम अब जेट विंग होटल्स में इस्तेमाल के बाद ये खानदान ये लकड़ी उन्हें फरोख्त कर देता है। इस तरह उनकी आमदनी और भी बढ़ गई है। बिजली के लिए हयातियाती कूड़े को मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल करने में कंपनी को मुश्किलात दरपेश हैं।
अगर हिरन कोरे 2020 तक अपने तमाम होटलों को माहौल दोस्त बनाना चाहते हैं तो उन्हें काबिले तजदीद तवानाई के लिए मजीद जराए तलाश करना होंगे। हमें लाजमी तौर पर जमीन खरीदनी होगी, तहम साहिल समंदर पर होटल बनाने के लिए अराजी बहुत महंगी है और वहाँ पर सोलर पार्क भी नहीं बनाया जा सकता। तहम अंदरून मुल्क ऐसे बहुत से इलाके हैं जहाँ कम कीमत में जमीन खरीदी जा सकती है, वहाँ पर बड़े सोलर पार्क बनाए जा सकते हैं। होटलों की 100% माहौल दोस्त चेन, अगर ये तजर्बा कामयाब हो गया तो इसके दूरदर्श नतीजे सामने आएंगे, सिर्फ श्रीलंका के होटलों पर ही नहीं बल्कि इससे भी आगे। अब वक्त है एक ब्रेक का, जिसके बाद ले चलेंगे आपको अफ्रीकी मुल्क गैम्बिया और दिखाएंगे कि वहां के माहिगीर क्यों पुर उम्मीद है हुकूमती और आलमी इकदाम से। अफ्रीकी मुल्क गैम्बिया के माहिगीरों को इलाकाई इक्तसादी नमू के लिए आलमी इमदाद फराहम की जाती है। इन इमदादी मंसूबों की बदौलत माहिगीरों को अब बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद हो चली है। इनको तवक्को है कि नई हुकूमत के इक्तदार में आने और ज्यादा तरक्याती इमदाद मिलने से सूरत हाल बेहतर होगी। किसी भी माहिगीर के लिए ये लम्हा गैर यकीनी कैफियत का हामिल होता है। मूसा फून दरिया से बाहर निकलते जाल को पुर उम्मीद नजरों से देखता है। आज दरियाए गैम्बिया ने फिर उसकी खुशी का सामान पैदा किया है। मुझे ये काम वाकई पसंद है। इस ब्रिगेड के आने से पहले मैं बेरोजगार था, अब मैं एक कुल वक्ती माहिगीर हूँ और इस काम से बहुत खुश भी। मूसा को कश्ती खरीदने के लिए रकम आलमी इदारा बराए महाजरत ने दी थी। ये इदारा मशरकी गैम्बिया में मकामी इक्तिसादियात बहाल करने की कोशिश कर रहा है। यूरोपीय यूनियन ने भी गैम्बिया यूथ एम्पावरमेंट स्कीम के तहत 11 मिलियन यूरो की फंडिंग की है। मूसा फून का कहना है कि बेहतरी के आसार वाजे हैं। वो पुर उम्मीद है कि नई हुकूमत के आने और तरक्याती इमदाद में इजाफे से खित्ते में खुशहाली आएगी। इस निज़ाम के साथ यकीनन चीज़ें बदलेंगी। यूरोपीय यूनियन नौजवानों को रोजगार मुहैया करने के लिए रकूम दे रही है, ये एक अच्छा आगाज है। आलमी इदारा महाजरत और यूरोपीय यूनियन के मंसूबे महाजरीन को यूरोप पहुंचने से रोकने के लिए बनाई गई सरहदी हिकमत अमली का हिस्सा हैं। सिर्फ गुज़िश्ता बरस ही 12,000 से जायद गैम्बियन महाजरीन ने बुहैरा रूम अबूर किया था। इस रुझान को रोकना बड़ा काम है। आईएमओ के पास सिर्फ चंद मंसूबे और 3 लोगों का अमला है। आपका कहना दुरुस्त है, अभी हम मुख्तसर तादाद में हैं। ताहम जल्द ही हमारे अमले में इजाफा होगा, लेकिन बहर रोम अबूर करने वाले महाजरीन की तादाद में कमी की हिकमत अमली उनके लिए खुद उनके आबाई ममालिक में मौके पैदा कर रही है और ये पैगाम दे रही है कि सहरा पार करना भी खतरनाक है। मूसा फून और उनका अमला दरिया में एक तवील दिन गुजार कर वापस आ रहे हैं। आज पकड़ी गई मछलियों से वो फीकस 1 यूरो से भी कम कमा पाएंगे। एक खानदान के कफील फर्द के लिए ये माली तहफ्फुज बहुत ज्यादा नहीं है। कभी कभी ये सोच करके मेरे घर वालों को जिस तरह मेरी तरफ से माशी मदद की जरूरत है उस तरह मैं नहीं कर सकता, मैं खुद को दबाव में महसूस करता हूँ। मूसा के 2 भाई यूरोप हिजरत कर गए थे, वो बाकायदगी से पैसे भेजते हैं। मूसा भी यूरोप के लिए 2 बार रवाना हुआ लेकिन कामयाब नहीं हो सका। उसके वालिद कहते हैं कि अगर बाहर से पैसे ना आए तो गुजारा नहीं हो सकता। हम इसके बगैर नहीं रह सकते थे, जरूरत की वजह से हमारा मसला जरूरत है। आप इसे जरूरत क्यों समझते हैं?
जब वो यहाँ थे तो सारे खानदान की जरूरियात पूरी नहीं कर सकते थे, किसी एक को जाना ही था घर के बाकी अफराद को सहारा देने और ज्यादा कमाने के लिए। अगली सुबह मूसा फोन अपनी कश्ती दोबारा दरिया में ले जाता है। उसका कहना है कि एक मुनासिब गुजर बसर के लिए उसे 100 यूरो महाना कमाने की जरूरत है। गैम्बिया के दूसरे बाशिंदों की तरह उसके लिए भी रास्ते का इंतखाब मुश्किल है। या तो वो अपने मुल्क में पाई जाने वाली मुश्किलात से जुड़ा रहे या एक बार फिर यूरोप के सफर पर रवाना हो जाए। अब लेते हैं एक ब्रेक, जिसके बाद ले चलेंगे आपको जर्मनी और मुलाकात कराएंगे आपकी नामवर मौसीकार मोत्सार्ट के दीवानों से। और अब बात करते हैं आलमगीर शोहरत याफ्ता मौसीकार मोत्सार्ट की। इस अजीम मौसीकार को खराज अकीदत पेश करने के लिए जर्मनी में मोत्सार्ट म्यूजिक का त्योहार मनाया जाता है। जर्मन शहर वुर्ज़बर्ग में मौसीकी के मेले का इनेकाद यहाँ की एक रवायत है। हर तरफ मौसीकी, 4 हफ्तों में 60 कॉन्सर्ट, एक मोत्सार्ट मैराथन। यकीनन मोसार्ट खुद हैरान हो जाएंगे। यूं तो इस अजीम मौसीकार का कायम सन 1790 में वुर्ज़बर्ग में बहुत मुख्तसर था, एक कॉफी ब्रेक जितना मुख्तसर। ताहम अब इस शहर में हर साल एक मेले की सूरत में उनके फन को सराहा जाता है। मेले की गहमा गहमी से एक तरफ यूरोप भर से नए मौसीकार एक साबका खानकाह में जमा होते हैं, इसे मोसार्ट लैब कहते हैं। मैंने मोत्सार्ट से आगाज किया। मोत्सार्ट के आबाई शहर ज़ाल्ज़बर्ग में मौसीकी की तालीम ली और मोत्सार्ट के नाम किए गए साल में ज़ाल्ज़बर्ग के म्यूजिक मेले से अपने फन का आगाज भी किया। फिर मोत्सार्ट मोत्सार्ट लैब में सिर्फ उन्हें ही तराशा नहीं जाता। क्रिस्टियाने काक के साथ स्कॉलरशिप पर आए दो और अफराद दूसरे अदवार की मौसीकी पर भी तहकीक करते हैं। ये इंग्लैंड और आयरलैंड से हैं। क्योंकि हम यहाँ खानकाह में शहर से बाहर हैं, इसलिए हमारा साथ जरा मुख्तलिफ है। हम खाते पीते एक साथ हैं और एक दूसरे से जान पहचान होती है। सिर्फ मौसीकार ही नहीं बल्कि कंपोजर, जिनका वास्ता हमसे कम ही पड़ता है। एक आम ख्याल है कि दोनों एक हैं, लेकिन ये बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। मोत्सार्ट बतौर तहकीकी मज़मून 3 रोज पर मुहित बहस व मुबाहिसे में सिर्फ मौसीकार ही नहीं बल्कि अहले दानिश और कंपोजर्स भी मोत्सार्ट के फन पर बात करते हैं। मोत्सार्ट लैब में ज़ेरे तरबियत मौसीकार फोटोग्राफी के तलबा से मुलाकात करते हैं। गायकी को दुरुस्त करो। मेरे पास अजनबी मौसीकार भी हैं जिनको मैं ज़ाती तौर पर नहीं जानता, ना ही ये जानता हूं कि वो क्या बजाते हैं। मैं ये चाहूंगा कि मुख्तसर वक्त में वो बताऊं जो मैंने खुद देखा। हमें मौसीकी का मवाजना करने की जरूरत है। मिसाल के तौर पर मोत्सार्ट के अहद की मौसीकी का मवाजना आज की म्यूजिक से, बल्कि हमें मौसीकी का मवाजना जिंदगी के हकायक से करना चाहिए। 3 दिन मोत्सार्ट लैब में इसने हमें क्या दिया? आयरलैंड और इंग्लैंड से आने वाली 2 कुलोकाराओं ने क्लासिकी मौसीकी सीखी है। तालीम, तजुर्बा और खुद एतमादी हासिल करने में कुछ वक्त लगता है। जब इंसान ये कह सके कि हाँ, अब मैं मोत्सार्ट की मौसीकी से लुत्फंदोज हो सकता हूँ, अब मैं मोत्सार्ट का फैन हूँ। मोत्सार्ट की शख्सियत अजीम लेकिन मजाह से भरपूर थी। मेरी राय में आपको मेहनत बहुत करनी चाहिए, लेकिन इसे बहुत ज्यादा संजीदा नहीं लेना चाहिए। वुर्ज़बर्ग रेजिडेंस का इख्तितामी कॉन्सर्ट, यहाँ 3 दिनों में जो हासिल हुआ वो पेश किया जाता है। एक नुक्ता उरूज, मोत्सार्ट को ये जरूर पसंद आता। तो कैसा लगा आपको आज का शो? जरूर बताएं #सवाल के साथ हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर अकाउंट पर।
सवाल में शामिल रिपोर्ट्स देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट dw.com/urdu. आज के लिए इतना ही, आइंदा हफ्ते फिर